हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं हमारे ग्रुप के साथ, BMW ग्रुप के साथ राइड पे निकल रहा हूँ। एंड मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि मैं उसके बाद राइड के बाद नैनीताल भी निकलूँगा आज, और सोलो राइड पे। सो सुबह का टाइम है, 5:10 हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी 4 बजे जगा था, सारा प्रिपरेशन किया, रेडी हुआ एंड अभी आपके सामने निकल चुका हूँ। सो अभी पहले हम चौलीगो यमुना एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं राइट पे, हमारा सारा ग्रुप है। एंड उसके बाद जब वहाँ की राइड ओवर हो जाएगी तो फिर मैं निकलूँगा सोलो राइड पे नैनीताल के लिए। सो फ्रेंड्स, नैनीताल के जो भी सीन्स होंगे, जो भी वीडियोज़ होंगे, जो भी अच्छे अच्छे प्लेसेस होंगे, वो मैं आपको शेयर करूँगा बहुत जल्द। और होप आपको वीडियो एंड और सारी चीज़ें भी पसंद आएंगी। सो जो भी मैं एंजॉय करूँगा वो मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून R&D ब्लॉग्स। एंड मिलते हैं आगे, थैंक यू। ये गाइस देखिए, मोती बारात, सो गाइज ये रही गंगा मैया, और आप भी दर्शन कर लीजिए। और रास्ते में गड़गंगा आपने सुना ही होगा, जो कि गंगा नदी के किनारे है, और गड़गंगा घाट बोलते हैं यहाँ पर। बहुत मान्यता है यहाँ की, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने एंड गंगा मैया के दर्शन करने। सो ये सोचा कि आपको भी दर्शन करा देता हूँ। अब चलते हैं आगे फाइनली, और वो अपोजिट साइड पे तो नहीं जा सकता बिकॉज क्योंकि अपोजिट रूट पड़ जाएगा। सो इसी साइड का मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। वो देखिए घाट है एंड ये गंगा मैया। सो फाइनली अब चलते हैं और आगे नैनीताल की तरफ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब सकरतल पहुँच गया हूँ मैं, जो कि नैनीताल से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स पहले है। एंड यहाँ पर एक ढाबा है जहाँ की मैंने लंच का प्लान किया हुआ। सो अभी लंच करता हूँ, आधे पौन घंटे का ब्रेक लूँगा एंड देन उसके बाद फिर मैं आगे फाइनली नैनीताल के लिए डेस्टिनेशन पर निकलूँगा। ढाबा काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये ढाबा। बाहर भी स्पेस है ओपन, अगर वेदर अच्छा है तो आप बाहर बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप अंदर भी जाके बैठ सकते हैं। सो गाइस ये अंदर का स्पेस है, मैंने अपने अंदर सारा सामान रखा हुआ है एक टेबल पे। ये मेरी टेबल है, इसमें भी मैंने अपना बैग, हेलमेट चार्जिंग में लगा दिया है, मेरा कैमरा ऑलरेडी उसमें अटैच्ड है। सो अब यहाँ से लंच करके निकलते हैं बाहर। अभी 1 घंटे बाद मैं फिर से निकलूँगा राइड के लिए। सो तब जाके नैनीताल नॉन स्टॉप रुकूँगा। सो मिलते हैं गाइज नैनीताल में, थैंक्स, थैंक यू सो मच। सो गाइज नैनीताल आने में अभी 40 मिनट बाकी है, और मैं अभी नया गांव एक बीच में रास्ता पड़ता है। सो यहाँ पर एक भैया का एक छोटा सा टी स्टॉल है, और जो कि बड़ा खूबसूरत सा नेचुरल बनाया हुआ है उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी प्यारी ग्रीन प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे ग्रीन प्लांट्स हैं, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं इन्होंने। ये एक फाउंटेन भी लगाया हुआ है, ये देखिए बैठने का कितना अच्छा स्पेस है। सो इनकी जगह पर आप आ सकते हैं, और ये ओरिजिनल जो नेक्स्ट होते हैं चिड़ियों के, वो इन्होंने बर्ड्स के लगाए हुए हैं, बट इसमें अब बर्ड्स रहती नहीं है, यूज़ नहीं करते ये। सो इन्होंने यहाँ पर लगा दिया अपने इस जगह पे। चाय, 5 कॉफ़ी, पराठा, रोटी, मोमोज, मैगी, चाउमीन, दाल, चावल, फ्राइड राइस, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर। और बारिश बहुत अच्छी हो रही है, ये देखिए कितनी अच्छी जगह बनाई है इन्होंने, प्यारी सी हट। ये देखिए पूरा कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन, ये प्लांट कितना खूबसूरत प्लांट है, ये देखिए
अमेजिंग, कितनी बढ़िया प्यारी जगह है ये। सो फ्रेंड्स, नियर अबाउट नैनीताल, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी शायद बहुत सारी वीडियोस में आए होंगे, आप लोग देखा होगा कि ये रोड कर्व जो रोड है ये नैनीताल की तरफ जाते हैं। एंड मैं भी बहुत पास आ चुका हूँ नैनीताल के, और वेदर आज बहुत अच्छा है। बीच में रास्ते में बारिश हुई थी तो जिसकी वजह से मुझे 1 से 1.5 घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी और 2 जगह रुकना पड़ा मुझे। सो देखिए नज़ारा दिखाता हूँ आपको, चलते रहिए मेरे साथ और लेते रहिए मौसम और नेचर का मज़ा। गाइज देखिए क्या व्यू है, अमेजिंग देख रहे होंगे आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। कितना अमेजिंग व्यू, दैट्स कूल। गाइस एक झरना ये देखिए कितना ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। सो गाइस इवनिंग का टाइम हो चुका है, फाइनली मैंने रूम ले लिया है एंड मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये मेन मार्केट है यहाँ का, आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्राउड आता है और वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके लिए, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं खाने में। एंड टी कॉफ़ी एंड एक्सेट्रा बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। ये बेसिकली जो नैनीताल की जो सबसे बड़ी लेक है उसके साइड में ही ये मेन मार्केट है। सो वेदर काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए आप मैं दिखाता हूँ। एंड गाइज यहाँ पर आपको हाथ से बनी हुई चाय नहीं मिलेगी, चाय केवल मशीन वाली ही मिलेगी, चाय एंड कॉफ़ी, सो उसका भी ध्यान रखिएगा। गाइज ये देखिए पूरा बादल हमारे बीच आता हुआ, और ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बादल, कितना ज़बरदस्त व्यू है ये, देखिए पूरा बादल से घिर गया है, कितना मस्त बादल आया। चलो यार कुछ तो अच्छा लग रहा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्चुअली नैनीताल आया हूँ, वो भी सोलो राइड पे। बस थोड़ा सा एक दिक्कत है क्योंकि आइडिया कुछ नहीं है तो लोगों से बहुत ज़्यादा पूछना पड़ रहा है यहाँ पर कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ से व्यू अच्छे मिलेंगे। सो बस यही है, बाकी अब मैं नकुचिया ताल बताया मेरे किसी नॉन टू ने, तो आई एम गोइंग टू नकुचिया ताल। ये देखिए पूरा बादल मटराते हुए सामने, आज मैं बादलों पे हूँ, वाह यार कितनी अच्छी फीलिंग है, अमेजिंग। सो गाइज ये देख रहे हैं अपना कुचिया ताल पहुँच गया हूँ, अभी मैं साइड से आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स दिखा रहा हूँ एंड अभी मैं जाने वाला हूँ बोटिंग के लिए एंड वहाँ से फिर आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स दिखाने वाला हूँ। गाइज रास्ते में एक पॉइंट मिला जहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सीन है एंड कुछ बादलों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सो दिखाता हूँ आपको कुछ सीन्स। ये देखो क्या अमेजिंग सीन है रियली, बादल मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल हमसे नीचे है एंड हम पहाड़ियों पे इस टाइम पे घूम रहे हैं, सो कितना अमेजिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा अमेजिंग व्यू है, रियली अमेजिंग। सो गाइज अब और आगे चलते हैं एंड दिखाता हूँ मैं आपको और रास्ते में कितने ब्यूटीफुल सीन्स आपको मिलते हैं देखने के लिए एंड मैं भी इन्जॉय करूँगा एंड आपको भी इन्जॉय कराने वाला हूँ।
एंड बहुत मज़ा आने वाला है इस सोलो राइड पे। ये देखिए गाइज कितना अमेजिंग व्यू, सामने आपको बिल्कुल स्काई ब्लू कलर का बादल दिख रहा होगा एंड साइड में पहाड़, एक साइड में खाई एंड अमेजिंग फीलिंग है ये रियली। यहाँ पर टू व्हीलर का राइड करने का अपना ही एक मज़ा है रियली। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अच्छी अच्छी, नेचर का पता चलता है आपको और हर एक चीज़ आप जो नेचर में फील कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग का भी मज़ा आपको मिल रहा है गाइज। वैसे आपने सुना होगा कि पंगोट भी एक बहुत अच्छी जगह है नैनीताल के पास में है जो, बट मैंने पता किया कि पंगोट में केवल रिजॉर्ट एंड होटल वगैरह हैं और भी कुछ घूमने के लिए नहीं है, सो इस वजह से मैंने वहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया एंड मैं कुछ नया आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ इस वाटरफॉल की तरफ। सो ये रास्ते का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं अभी एंड बड़ा अमेजिंग है। कहीं कहीं बिल्कुल नीले आसमान है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बादल है और कहीं कहीं पहाड़ियाँ हैं, ग्रीन ट्रीज सारा कुछ है यहाँ पर अवेलेबल। सो इस वाटरफॉल की तरफ ज़रूर जाएं अगर आप नैनीताल आते हैं एंड पहुँच के मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ कि और किस तरह से वाटरफॉल दिखता है, कितना बड़ा वाटरफॉल है और कितना क्राउड है वहाँ पर। चलते हैं गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जगहों पे ऑफ रोडिंग भी है। सो बीच में रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सो उसका मज़ा एक अपना अलग ही होता है बाइकर्स के लिए। सो ऑफ रोडिंग का भी आनंद आपको यहाँ पर मिलेगा एंड कई जगह बहुत अच्छे रोड हैं। अगर आप NH अलग अलग NH पे पहुँचते हैं, हाईवेज़ पे पहुँचते हैं, नेशनल हाईवेज़ पे, तो वहाँ पर आपको रोड्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। बट यहाँ इस वाटरफॉल के करीब अब जब मैं पहुँच गया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिल रही है, सो इसका अपना ही एक मज़ा आ रहा है। देख रहे हैं सामने बादल कितना ब्लू है, ये बादल इस तरह का बादल एक्चुअली जो पूरी तरीके से जब लॉकडाउन लगा था ऑल ओवर द वर्ल्ड तभी देखने को मिला था, उसके बाद अब मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा वाटरफॉल के करीब आ गया हूँ, आइए देखते हैं। ये देखिए गाइज यहाँ पर कैंपेनिंग भी आपको करने को मिलेगी वाटरफॉल के पास और ये चलते हैं वाटरफॉल एंड ये 100 रुपीज़ पर पर्सन आपको यहाँ वाटरफॉल का चार्ज देना पड़ेगा। ये देखिए पहाड़ों के बीच अमेजिंग, वाओ, पहाड़ों के बीच में पूरा वाटरफॉल और बैठने का पूरा जगह है। ये देखिए गाइज नाइट के टाइम पे कितनी तेज़ आवाज़ है वाटरफॉल की एंड कितना लाउड साउंड कर रहा है वाटरफॉल। सो गाइज सुबह का टाइम हो चुका है, 7 बज गया है और मैं अभी उठा हूँ सो के जस्ट, और यहाँ का वेदर दिखाता हूँ। ये वाटरफॉल सामने चल रहा है टेंट के सामने मेरे, अमेजिंग फीलिंग है। टेंट के अंदर रात भर आवाज़ आती रही है इस वाटरफॉल की, रात पूरी नाइट आवाज़ आई है वाटरफॉल की। सो फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड से मिले, ये है मेरे न्यू फ्रेंड्स जो कि मुझे इसी वाटरफॉल के पास में ही मिले, यहाँ पर ये लोग एंजॉय करने आए हुए थे एंड मैं भी आपको एक जो हमारा कैंप था उसकी भी फ़ोटो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये हमारा कैंप था जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे एंड अब आज मैं निकलने वाला हूँ कौशानी जो कि इस वाटरफॉल से 72 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ता है। और मैं अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बाइक से ही जाऊंगा, BMW G310R से ही एंड जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोगों उन लोगों ने ही एक्चुअली मुझे बोला कि कौशानी चलते हैं, सो वो लोग कार से हैं और मैं बाइक से। सो वहाँ पर अब जाके हम लोग मिलने वाले हैं फिर से और वहाँ पर एक होटल वगैरह बुक करेंगे, जो भी है वो मैं आपको आगे डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन से होटल में हम लोग रुकते हैं एंड वहाँ से बेसिकली वहाँ जाने का पर्पज़ हमारा ये है कि वहाँ से हिमालय पर्वत बहुत पास में दिखता है, सो वो आपको हिमालय पर्वत फील कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ वीडियो में आप सबको। सो देखते हैं कि कितना क्लियर दिखता है हिमालय पर्वत, कितना दूर है या पास है वो वहीं जाके पता चलेगा गाइस। सो चलते हैं और ये देखिए अभी बीच में कितना अमेजिंग व्यू है जो कि मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ आपके लिए,
इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है, रियली मतलब बहुत ही कम इस तरह का देखने को मिलता है। जब हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं या कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं तभी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो गाइज़, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग नेचर को बहुत अच्छे से देख सकें एंड नैनीताल एंड नैनीताल के आसपास कौन सी बेस्ट जो नई लोकेशंस हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है एक्चुअली, क्योंकि डुगाने वाटरफॉल आपने कभी नहीं सुना होगा। लोग नैनीताल बहुत आते हैं और बहुत सी वीडियो बनाते हैं, कहीं यहाँ गए कहीं वहाँ गए, जो कि नॉर्मल हैं और बहुत सारे लोगों को वो प्लेसेस पता होते हैं, बट डुगाने वाटरफॉल किसी को नहीं पता था। इस वजह से मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ के बारे में आपको बताया। एंड अब मैं कौशानी, जैसे कि मैंने आपको बताया कौशानी पहुँच रहा हूँ, सो कौशानी भी बहुत कम लोग जाते हैं और वहाँ पर जाके क्या नज़ारा मिलता है, क्या व्यूज़ आते हैं, वो मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ सारे। तो बने रहिए गाइस मेरे साथ में और बहुत जल्दी मैं कौशानी पहुँचने वाला हूँ और वहाँ पहुँच के आपको वहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। गाइज, यहाँ पर जाने से दो चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है कि ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग दोनों चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऑफ रोडिंग अपनी 310R में कभी नहीं किया है, सो उसका भी मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड काफ़ी रोड बीच में ख़राब भी है, सो ऑफ रोडिंग का अपना एक अलग ही मज़ा आ रहा है। एंड कहीं कहीं रोड बहुत अच्छे हैं, सो ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जो कि आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और फील कर रहा हूँ मैं खुद एक्चुअली। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बट हाँ, बाइक से थोड़ा सा थकावट तो होती है, बट लेकिन लाइफ में ये चीज़ें कभी कभार ही हम कर पाते हैं। सो आई थिंक बाइक से मेरा ये जो ट्रिप है वो मुझे अच्छे एक्सपीरियंस दे रहा है एंड मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में कहीं सोलो राइड पे बाइक से निकला हूँ इतना दूर, से मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एंड रोड देख रहे होंगे आप लोग कितने पतले रोड हैं, यानी कि ओनली वन वे, उसी वन वे में सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और आपको भी निकलना है और नीचे खाई है और एक साइड पहाड़ हैं। सो लाइफ में ये जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम एक्चुअली, ये बड़ी अमेजिंग है, मतलब सच में। अब मैं डुगाने वाटरफॉल पहुंच चुका हूं एंड यहां मुझे पता करना होगा कि कहां से रास्ता है नीचे जाने का। आपने हिमालय पर्वत का नाम सुना बहुत होगा, बट अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव हिमालय पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत की पूरी श्रृंखला है वहाँ से लेकर और यहाँ तक। थोड़ा सा बादल है, धूप भी पड़ रही है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई देगा। बड़ा ध्यान से देखना होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इस टाइम मोबाइल से कर रहा हूँ अपने। सो देखिएगा, बहुत टॉप में बिल्कुल हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि हमें यहाँ से फील हो रहा है कि वहाँ पर बर्फ अभी भी पड़ी हुई है। धूप पड़ रही है बट फिर भी आइस वहाँ पर है, स्नोफॉल हो रहा होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो पूरा हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो वाइट नज़र आ रही हैं। सो गाइज, क्या फीलिंग्स आ रही हैं हम लोगों को इस टाइम पर मैं बता नहीं सकता। रियल लाइव देख के मतलब इतना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हिमालय पर्वत को लाइव देख सकता हूँ सामने से अपनी खुली आंखों से। और देख सकते हैं आप सर, थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि हिमालय की चोटियाँ जो टॉप में हैं, ताकि हमारे ऑडियंस देख सके प्रॉपरली, कि उनको भी समझ में आए कि कहाँ पर वो दिख रही हैं हिमालय की चोटियाँ और कितने टॉप में। देखिए गाइज, रियली अमेजिंग फीलिंग है, एक बार आइएगा जरूर यहाँ पर, बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है। और देख सकते हैं आप बीच बीच में पहाड़ों में कहीं धूप है, कहीं छाँव है, कहीं बादल हैं, कहीं बादल नहीं है, तो ये कुदरत का नज़ारा अजीब ही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ की मैंने जो भी नई नई चीज़ें आपको दिखाई वो आपने फर्स्ट टाइम ही देखी होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, एंड कीप वॉचिंग R&D Vlogs।